अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप लोग? अल्लाह से दुआ है कि आपको सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, मुझे और आप सबको, मेरे तमाम देखने वालों को। आज हम करने जा रहे हैं निकाह मेकअप, लेकिन ग्लैमरस निकाह मेकअप। अब ये ग्लैमरस निकाह मेकअप हम कब करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आगे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चिट चैट के दौर में दरमियान में आपसे ये बात करती हूँ। तो ये आज है मेरे पास नेहा जैन, आपको इनका नाम अच्छे तरीके से पता होगा, माशाल्लाह लोग अच्छा जानते हैं इनको, यूट्यूबर हैं, काफ़ी नॉन यूट्यूबर हैं, और मेरी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बातचीत, बहुत अच्छी दोस्ती, छोटी बहनों की तरह हैं ये मेरे लिए, और मुझे बहुत कोऑपरेट करती हैं, इज़्ज़त देती हैं। तो आपको पता है कि नाहिद सिद्दीकी, जो मुझे जानते हैं, सबको तो नहीं पता ऑब्वियसली कि नाहिद सिद्दीकी को चाहिए सिर्फ मोहब्बत और इज़्ज़त, तो जो कि नेहा मुझे बहुत ज़्यादा देती है, मैं उसे जब भी बुलाती हूँ एक आवाज़ पर आ जाती। तो जनाब, नेहा का कॉम्प्लेक्शन मेरे हिसाब से फेयर है, और मैंने यूज़ किया है बेजवन इनके लिए आई कंसील करने के लिए, मिस रोज़ की बेजवन, और आई कंसील करने के बाद मैंने पाउडर लगाया, और पाउडर लगाने के बाद ब्रश से उसको डस्ट ऑफ कर दिया कि जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो निकल जाए। आपको पहले वीडियो में मैंने आपको पहले बताया था कि हम क्यों लगाते हैं कंसीलर और पाउडर लगाते हैं कंसीलर को फिक्स करने के लिए, और फिर हम डस्ट ऑफ कर देते हैं एक्स्ट्रा जो भी पाउडर है। क्योंकि हम करने जा रहे हैं यहाँ पे ग्लैमरस निकाह मेकअप, तो हम कॉपर रेड के दरमियान में रहेंगे, बिल्कुल हम रेड की तरफ नहीं जाएंगे, बिल्कुल हम वेडिंग ब्राइड वाला लुक नहीं देंगे, निकाह ब्राइड का देंगे, लेकिन थोड़ा हम टिपिकल निकाह ब्राइड नहीं बनाएंगे, ग्लैमरस निकाह ब्राइड बना रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने रोज़ गोल्ड कलर जो आँखों के ऊपर लगाया, यानी कि आँखों के सबसे ऊपरी हिस्से में, जिसको हम कहते हैं आईब्रो बोन एरिया, उस बोन एरिया में पहले लगाया मैंने गोल्ड कलर, रोज़ गोल्ड कलर, और उसके साथ फिर मैं वाइट एक्वा वाइट कलर लगा रही हूँ। एक्वा वाइट कलर मैंने इसलिए लगाया है कि गोल्ड गोल्ड पूरी आँखें गोल्डन गोल्डन ना हो जाएँ, बहुत चीप लगती है, तो इसलिए अभी हम लगा रहे हैं वाइट कलर, और वाइट कलर के बाद हमने आउटर कॉर्नर से मेकअप स्टार्ट किया। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि स्टार्ट हमेशा लाइटर टोन से किया करें, आई मेकअप हमेशा जब आप स्टार्ट करते हैं आउटर कॉर्नर ख़त्म करते हैं, जो आपने हाइलाइटर लगाया है ब्रो बोन पे, जो कलर लगाया है उसको ब्लेंड करने के लिए पीच कलर लगाइए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं फिंगर का इस्तेमाल करती हूँ ब्लेंडिंग के लिए, एप्लीकेशन के लिए लिटिल बिट, इसलिए कि मुझे लगता है कि उससे बहुत अच्छी सी पिगमेंट आ जाती है कलर्स में। तो ये पहले पीच कलर लगाया, देन हमने रस्ट कलर का जो शेड होता है, और ये मैं लगा रही हूँ मैट कलर, तो रस्ट कलर का लाइट शेड जो है वो आउटर कॉर्नर पे लगाया। दूसरी आँख पे आपके करते हैं तो शायद आपको थोड़ा ज़्यादा वाजे पता चले, एक ही आई पे ये मैंने पहले पीच कलर लगाया था, उसके बाद रस्ट कलर से आउटर कॉर्नर पे पहले कलर अप्लाई किया, और उसी ब्रश को आगे की तरफ इनर कॉर्नर की तरफ हम ले जाते हैं। दूसरी आँख पे यही चीज़ हम रिपीट करेंगे। तो मैं आपसे कह रही थी कि हम ये ग्लैमरस निकाह मेकअप क्यों करते हैं। भाई रिसेंटली हुआ ये कि मेरे पास एक ब्राइड आई, जिसको हम कहते हैं ना गोरी ब्राइड, बाहर की कैनेडा से आई हुई थी फैमिली, मदर कैनेडियन फैमिली से थी और फादर पाकिस्तानी थे, तो उससे मुझे बनानी थी ब्राइड। और जब मैंने ब्राइड बना ली, सारा मेकअप कर लिया, तो मेकअप करने के बाद जब मैं ट्रेडिशनल स्टाइल कर रही थी तो मुझे मज़ा नहीं आया, तो उस पर मैंने थोड़ा सा जो है वो मैसी बन कर लिया, और मैसी बन करने के बाद जो है वो बहुत ही ग्लैमरस सी ब्राइड हमारी तैयार हो गई। तो जनाब, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रस्ट कलर से हम काम कर रहे थे, और रस्ट कलर से काम करने के बाद अब हम आ गए आउटर कॉर्नर पे डार्क ब्राउन कलर लेने के लिए। डार्क ब्राउन कलर आपको मिल जाएगा क्रिस्टिन की जो एक किट है आई शेड्स की, ये 18 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, तो उसके अंदर से ये सारे कलर मैं उसी में से ले रही हूँ। तो ये जनाब है डार्क ब्राउन कलर, और ये डार्क ब्राउन कलर आप अप्लाई करेंगे आउटर कॉर्नर से लेके मिडिल आई तक। ये मिडिल आई तक हम गए, और फिर हम ब्लेंडिंग ब्रश से इसको हम ब्लेंड कर देंगे। वंस अगेन आपको कहती फिर हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि अगर आपको मेरा काम समझ में आता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा।
ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डार्क ब्राउन कलर जो है मैंने आई पे अप्लाई किया, देन मैं यहाँ पे हल्का सा रेड एंड पीच कलर को मिक्स करके उसी पैलेट में से जो कि क्रिस्टिन की 18 कलर्स कॉम्बिनेशन में है, उन दो कलर्स को मिला के कुछ ऑरेंजिश कलर बन गया हमारे पास। तो दो कलर्स को मिलाकर मैंने तमाम लाइनें जो कि ब्राउन पीच और रस्ट के दरमियान की थी उसको मैंने मिक्स कर दिया। अब जनाब क्योंकि है ये निका ब्राइट, तो हल्का सा मैं रेड का टच करती फिरूँ और यही रेड कलर आपको इसी पैलेट में मिल जाएगी, इसी पैलेट में मिल जाएगा जो कि 18 कलर्स का सेट है क्रिस्टीन का। तो ये आपने देखा डार्क ब्राउन कलर लगाया, रेड कलर को हमने लगाया है मिड ऑफ आई और लगाने के आउटर कॉर्नर मिड ऑफ आई और उसके बाद ब्लेंड कर दिया हमने। रस्ट कलर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम रस्ट कलर का मेकअप करेंगे, गोल्ड कलर का और रस्ट कलर का कॉम्बिनेशन होगा, तो यहाँ पर ये हम लगा रहे हैं शिमर कलर क्रीज लाइन तक, आउटर कॉर्नर मिडिल से लेकर क्रीज लाइन तक आपने लगाया ये रस्ट कलर। दूसरी आईज पे लगाते हैं तो आपको ये अगेन आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये हम रस्ट कलर शिमर हमने लिया और अपनी आई पे क्रीज लाइन तक अप्लाई कर दिया। अच्छा एक मेरे जानने वालों में मैं पर्सनली मिली तो नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं टीजे भाई, प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा टीजे भाई। कलर रस्ट कलर करने के बाद मैं इसके ऊपर करूँगी गोल्डन कलर की शिमर ग्लिटर यूज़ करूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्राइड है तो कुछ शाइनी कुछ ग्लिटरी होना चाहिए। अच्छा आई पे आज हम फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बेस बनाना बहुत डिटेल में बताया था और यहाँ पे आई मेकअप पे मैं फोकस कर रही हूँ। अब ये ब्लेंडिंग ब्रश से मैंने इनर कॉर्नर पे पीच कलर से ब्लेंडिंग की है, जो कि हार्श लाइन जो मैंने आपको बताया था क्रीज लाइन पे वो लाइन ख़त्म करने के लिए गोल्डन कलर का ये शिमर लगा रही हूँ आई के ऊपर। दूसरी आई पे ये मैंने गोल्डन कलर का ही शिमर लगाया है, ग्लिटर जिसको हम कहेंगे जेल ग्लिटर, अगेन मिस रोज़ की पैलेट। मैंने आपको जैसा कि कहा कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट हमारे पास जो मौजूद हैं अब बहुत अच्छी आ रही हैं चीज़ें। क्रीज लाइन को फिर से ब्लेंड किया है, अगेन ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग एंड मोर ब्लेंडिंग, जो आपके काम को ज़्यादा अट्रैक्टिव ज़्यादा मज़ा आता है, यानी कि जो आपकी ब्राइड है ना वो खुश होकर जाना चाहिए कि बहुत ही ओवरडू भी नहीं हुआ है, हर काम बहुत ही ब्लेंडेड है। तो ये देखें सारा फोकस बार बार ब्लेंडिंग पर है, जब भी मिडिल आई पे काम हो रहा है लिड पे हो रहा है तो ब्लेंडिंग ज़रूरी है। ये जनाब ये अंडर आई मैंने 508 क्रायलॉन लास्ट टाइम भी आपको बताया था, हर दफ़ा बताऊँगी जाहिर है हर दफ़ा बताना चाहिए, टीचर को बार बार एक बात रिपीट करनी चाहिए। तो ये जनाब हमने आई के नीचे क्रायलॉन की 508 कंसील कर दिया मैंने इससे ऑरेंज कलर से। आज मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ वो जो क्रायलॉन की स्टिक हमेशा यूज़ करती हूँ, तो कभी है मैंने कहा ना कि आपको बेसिस मैं डिफरेंट टाइप के बताऊँगी, तो ये यूबी की बेस यूज़ कर रही हूँ, मूज बेस, बहुत ज़बरदस्त इसकी पिगमेंट है और पिगमेंट अच्छी होने के अलावा इसकी ख़ास बात यह है कि आपको बहुत पूरे फेस पर भरना ही नहीं पड़ता, आप सिर्फ पिगमेंटेड एरियाज़ पे लगाएं और उसी स्पंज को पूरे फेस पे आप देखें, ये तीन जगह मैंने अप्लाई किया है और इसको मैं पूरे फेस पे फैला दूँगी और इसको थोड़ा सा कवर करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये सॉफ्ट सा एक और शाइनी सा लुक देने के लिए लिक्विड फाउंडेशन यूज़ किया मैंने बेज वन मिस रोज़ में से, जो कि सिल्क फाउंडेशन है, नेक को कवर करती गई। और आज मैंने केक नहीं लगाया बल्कि आज मैंने पाउडर डायरेक्ट यूबी बेस लिक्विड बेस यानी मूज बेस और लिक्विड बेस के बाद आज पाउडर लगाया और पाउडर बहुत अच्छे तरीके से लगाए बिल्कुल डिटेल में कि कहीं से कोई पैचेस ना रहे। लाइनर लगाना ज़रूरी है आपको पहले भी मैंने बताया था और वंस अगेन फिर से बताऊँगी कि लाइनर लगाने के बाद लैशेज़ लगाएँ, 3D लैशेज़ लगाई हैं, आजकल की ब्राइड की डिमांड होती है कि भाई 3D लैशेज़ होनी चाहिए, तो जाहिर है ब्राइड का डे है और उसी हिसाब से काम उसकी चॉइस का होना चाहिए जिसमें उसकी खुशी हो। यहाँ हम जेल लाइनर, मैंने आपको बताया था कि जेल लाइनर यूज़ करते हैं हम फेसेट की आईलाइनर भी और आईब्रो लाइनर भी, तो आईब्रो ब्राउन कलर में है और मैं उसके अंदर दो ऑप्शंस होते हैं आपके लिए,
जेल से आप आउटर कॉर्नर बनाएं आईब्रोज़ की और पाउडर से पूरा ब्लेंड करें आगे तक, तो आपका ये जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत ही नेचुरल, ये देखिए पाउडर के साथ मैं अप्लाई कर रही हूँ आईब्रोज़ को कवर करने के लिए। जिस तरह से हमने आई के ऊपर जो लिड के ऊपर जितने सारे कलर्स यूज़ किए थे, पीच कलर, रस्ट कलर एंड ऑफ कोर्स डार्क ब्राउन कलर, उससे मैंने अंडर आई काम किया है और आई के अंदर इमली की ही वाइट काजल लगा रही हूँ। और अगर आपके पास वाइट काजल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप यूज़ कर सकते क्रायलॉन की F1, बहुत ज़बरदस्त पिगमेंट है आई के अंदर लगाने के लिए। आप आइवरी कलर लगा सकते हैं, सर वाइट कलर के सारे होते हैं ये शेड, तो आप लगा सकते हैं वाइट पेंसिल, आप वो लगा सकते हैं। अब ये है मेरे पास मस्कारा बॉब का, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। मतलब ज़रूरी नहीं है कि महंगी महंगी चीज़ों से ही आप मेकअप करेंगे तो बहुत अच्छा मेकअप होगा। ब्रशेस पर हाथ सेट होना चाहिए, प्रोडक्ट पे हाथ सेट होना चाहिए और आपको काम ऐसा आना चाहिए कि आप किसी भी प्रोडक्ट से अच्छे तरीके से उस काम को आप ले सकें। अंडर आई आपने ज़रूर मस्कारा लगाना है लोअर लैशेस पे, क्योंकि जब आप लोअर लैशेस पे मस्कारा लगाते हैं तो बहुत ही खुली खुली आँखें, बड़ी बड़ी आँखें, खूबसूरत सी आँखें नज़र आती हैं। नेहा के बहुत ज़्यादा कॉन्टोर करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने कान के ऊपरी हिस्से से लेकर चीक्स तक हल्की सी ब्रॉन्जिंग कर ली है। और यही मेरे पास क्रिस्टिन का शेड नज़र आ रहा होगा आपके पास, आपको तो ये क्रिस्टिन का कॉन्टोर है, तो ये मैंने अप्लाई किया है जस्ट फॉरहेड। फॉरहेड ज़रूर कवर किया करें, उससे ये होता है कि सर के बाल और पेशानी बिल्कुल वाइट एंड ब्लैक अजीब सी ना लगे। तो इस तरह से ये जनाब, ये देखें फाइनल लुक दरमियान में। चिन पे जो यूज़ किया है मैंने ब्राउज़र ताकि चिन प्रोमिनेंट हो, शेड लगा चुके थे हम, बेस लगा चुके, फेस फ्लैट हो गया है हमारा, कैनवस रेडी है, कैनवस में आप कलर भरते जाएं, खूबसूरत से ब्लेंडेड से कलर, जितना ब्लेंडेड कलर है उतना ही बेहतरीन रिजल्ट है। कॉन्टोर करने के बाद आपने लगाई ब्लश ऑन, फेसिट की ब्लश ऑन है मेरे पास, ये ब्लश ऑन लगाई मैंने और कॉन्टोर एंड ब्लश को ऑल टुगेदर मिक्स कर दिया ताकि एक बिल्कुल नेचुरल फेस, ग्लोई फेस, शाइनी ग्लोई फेस, पिंकिश पिंकिश चेहरा, सॉफ्ट सी ब्राइट, हर ब्राइड दिल चाहता है उसका कि वो जो है ना वो डॉल दिखे। ये मैं लगा रही हूँ चीक्स के ऊपर हाइलाइटर, और हाइलाइटर ब्लश ऑन कॉन्टूर अगेन आपके ब्लेंडेड होने चाहिए, ना हाइलाइटर की लाइन नज़र आनी चाहिए, ना ब्लश ऑन, ना कॉन्टूरिंग। नोज़ के ऊपर भी आप अप्लाई कीजिएगा और अपर लिप पे भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा ताकि लिप्स का शेप जो है वो प्रोमिनेंट हो सके अच्छी तरह से। कितनी बातें करती है नेहा रस्ट कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं, इसकी भी प्रॉपर आपको क्लास दूंगी तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया। ये मैसी बन बनाना भी आपको बताऊंगी तो इसकी सेपरेट क्लास होगी। तो वो ये जनाब रेडी है, फ्रंट बैक एंड साइड। ज्वेलरी जो आपको नज़र आ रही है ये मुझे स्पॉन्सर करती हैं फरीदास कलेक्शन, कराची में ही हमारे होती हैं, आप इनसे ये ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं, या आउटफिट भी उनका स्पॉन्सर किया हुआ है। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक, उनका नाम, नंबर सेंड कर दूंगी, शेयर कर दूंगी, तो आप वो देखिएगा। ये रहा फाइनल लुक मेरी ट्रेडिशनल नहीं ग्लैमरस ब्राइड का। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अल्लाह।